हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीना जैमी किचन। लीना जैमी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उपवास के दिन हम मोस्टली ऑयली चीज़ें बनाते हैं, पर आज हम कम से कम ऑयल यूज़ किए बढ़िया ऐसे फराली डोसे और फराली चटनी बनाने वाले हैं। फास्ट रहा तो साबुदाने की खिचड़ी या ऐसे कॉमन आइटम्स हम हमेशा बनाते हैं। आज थोड़ा हटके बढ़िया ऐसी रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फराली डोसे। और ये जो डोसे आज हम बनाने वाले हैं, ये बहुत ही कम समय में बनते हैं, इंस्टेंट फराली डोसे और फराली चटनी। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। फराली डोसे और चटनी बनाने के टाइम हमें कुछ टिप्स ध्यान में रखने हैं। जैसे कि जब हम साबुदाना ऐसे पीसते हैं तो हमें एकदम बारीक ऐसे पीसना नहीं है, थोड़ा दरदराई से पीसना है। और उसी तरह हमें बगर भी है वो भी ज़्यादा बारीक ऐसे पीसनी नहीं है। अगर हम ज़्यादा बारीक ऐसे इसे फाइन ऐसे पेस्ट बनाएंगे तो हमारे जो डोसे है क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो बढ़िया क्रिस्पी क्रंची ऐसे डोसे बनने के लिए हमें ये टिप्स ध्यान में रखने हैं। इसके साथ हम जो वाटर यूज़ करने वाले हैं वो वाटर हमें थोड़ा गुनगुना लेना है, एकदम ठंडा ऐसे पानी हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे। अगर ये आप टिप्स ध्यान में रखेंगे तो बढ़िया क्रिस्पी ऐसे डोसे आपके बनेंगे। डोसा बनाने के लिए 2 कटोरी सामा का दरदरा ऐसे पिसा हुआ आटा हमने लिया है। इसके साथ हम लेंगे 1 कटोरी पिसा हुआ साबुदाना का आटा। ये साबुदाना का आटा भी हमने थोड़ा दरदरा ही ऐसे पीस लिया है, ज़्यादा फाइन ऐसे पेस्ट हमें इसकी नहीं चाहिए। इसके साथ हम लेंगे दही। दही हमें थोड़ा खट्टा चाहिए, लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच हम दही इसमें मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सामा को उपवास के चावल या भगर ऐसे भी कहते हैं। अभी हम इसमें 1 चम्मच नमक मिलाएंगे और ये सभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक गिलास पानी हमने लिया है, हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें मिलाते जाएंगे। एट अ टाइम सभी पानी हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें पानी मिक्स करते जाएंगे। एट अ टाइम अगर हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा पतला होगा। और हमने इसमें दही भी मिलाया है तो दही से भी पानी से छूटता है। 20 मिनट के लिए हम इसे कवर करके साइड में रख देंगे। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। फराली चटनी बनाने के लिए हमने लिए हरी मिर्च, मूंगफली के दाने और थोड़ा किसा हुआ कोकोनट लिया है। सबसे पहले हम कोकोनट जो है अच्छे से भून लेंगे। ब्राउन गोल्डन कलर आने तक हमें इसे बढ़िया से भून लेना है। बढ़िया ऐसे चटनी का स्वाद आने के लिए हमें मूंगफली के दाने भी बढ़िया तरीके से भून लेने हैं। इस तरह हमने मूंगफली के दाने भून लिए हैं। 5-6 हरी मिर्च हमने लिए, उनको भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। दोनों साइड से एकदम ब्लैकिश हो जाए तब तक हमें इनको अच्छे से भून लेना है। ये सभी सामग्री हम मिक्सी जार में डालेंगे। 1 चम्मच नमक हम इसमें मिलाएंगे और अच्छे से मिक्सी जार में इसे पीस लेंगे। चटनी पीस के रेडी हो गई है, एक बर्तन में हम इसे निकाल देंगे। मिक्सी जार में थोड़ा पानी हम मिलाएंगे और वो पानी भी हम चटनी में मिला के बढ़िया ऐसी चटनी बना के रेडी रखेंगे। इसमें हमने कोकोनट डाला है तो बहुत ही बढ़िया ऐसी टेस्ट हमारे चटनी को आती है और फास्ट के लिए बहुत ही पौष्टिक ऐसी है। चटनी रेडी हो गई है। सामा और साबुदाने का जो बैटर हमने बना के रखा था अभी हम ओपन कर लेंगे। ये अभी गाढ़ा है, इसमें हमें डोसे बनाने के लिए पतला ऐसे बैटर चाहिए तो हम इसमें लगभग आधा ग्लास पानी और मिला देंगे।
नॉर्मल डोसे हम जो बनाते हैं उसके लिए जिस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए उसी कंसिस्टेंसी का बैटर हम बनाएंगे। हमें ये पानी बाद में ही डालना है। अगर हम स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पानी डालते रहेंगे तो जो दही हमने डाला था वो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, बैटर की टेस्ट बिगड़ जाएगी। इसके लिए हमें ये जब हम डोसे बनाएंगे तभी हमें ज़्यादा पानी लास्ट में ऐड करना है। पैन हमने अच्छे से हीट कर लिया है और कॉटन के अब गीले कपड़े से हम इसे अच्छे से पोंछ लेंगे और उसके ऊपर हम अभी बैटर डाल के डोसा बना देंगे। डोसा बनाते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि पैन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे डोसे डालेंगे तो डोसा अच्छे से नहीं बनेगा, उसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर टेम्परेचर लो रहा तो भी डोसा अच्छे से नहीं बनता, वो हम फैला नहीं सकते, स्पून को ही वो स्टिक हो जाता है। इसलिए हमें इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना ज़रूरी है। डोसे के ऊपर हम थोड़ा घी साइड से और थोड़ा सेंटर में डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, पर फास्ट के लिए मुझे घी में बने डोसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और इसकी टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगती है। 2 मिनट तक हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे डोसा ऐसे ही होने दिया है। आप देख सकते हैं गोल्डन ऐसे कलर डोसे में आ रहा है। अभी हम साइड से स्पून डाल के डोसा पैन से सेपरेट करेंगे। बहुत ही इजीली ऐसे हमारा डोसा सेपरेट हो रहा है। डोसा अच्छे से बनने के लिए लगभग 3 मिनट लगते हैं। फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी ऐसे हमारा डोसा बना है। अभी हम इसे प्लेट में सर्व कर देंगे। बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी, परफेक्ट ऐसे हमारा डोसा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन कलर में हमारा डोसा बना है। देखते ही उसे खाने की इच्छा हो रही है। इसी तरह हम बाकी के भी डोसे बना लेंगे। डोसा बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है, जब भी हम पैन पे डोसा का बैटर डालेंगे तब टेम्परेचर उसका अच्छे से मेंटेन रहे। पहले हमें पैन बढ़िया से हीट कर लेना है, फिर कॉटन के गीले कपड़े से हमें उसे क्लीन कर देना है। ऐसा करने से तवे का जो टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन रहता है। ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे डोसे अच्छे नहीं बनते, ना ही लो टेम्परेचर पे अच्छे बनते हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी परफेक्ट डोसे बन गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी ऐसे और पोरिये से हमारे डोसे रेडी हो गए हैं। और इसके साथ हमने बनाई है कोकोनट की चटनी, बहुत ही टेस्टी यम्मी ऐसे आज हमारा फराली नाश्ता बन के रेडी है। तो आप भी ऐसे रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए, घर के सभी सदस्य को खिलाइए। फराल के लिए बहुत ही पौष्टिक बढ़िया ऐसे ये डिश है, घर में खा के सभी खुश हो जाएंगे। तो सबको खुश कीजिए। मेरे रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। न्यू रेसिपी पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।